बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम एंड वेलकम टू खुजी पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान आर्मी की न्यूक्लियर पावर कितनी है, इस बात का अंदाजा ना सिर्फ पाकिस्तानियों को है बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के दुश्मन को भी ये बाखूबी पता है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद न्यूक्लियर मिसाइलों और दूसरे न्यूक्लियर हथियारों से मुतालिक कमी मालूमात अभी तक दस्तियाब हैं, खास तौर पर पाकिस्तान के रात क्रूज मिसाइल से मुतालिक। यही बताया जाता है कि इसको बस लिमिटेड प्लेटफॉर्म से ही लॉन्च किया जा सकता है, मगर अब यह खबर कंफर्म हो चुकी है कि रात न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल 17 साल की मेहनत के बाद अब इस तरह से डिजाइन और डेवलप किया जा चुका है कि इसको पाकिस्तान के JF-17 थंडर त्यारे से लॉन्च किया जा सकेगा। रात क्रूज मिसाइल की JF-17 थंडर त्यारे के साथ इंटीग्रेशन कहाँ तक पहुँची है और यह मिसाइल JF-17 थंडर के हथियारों में शामिल होकर कितना खतरनाक साबित होगा, आज इन तमाम मालूमात को इस वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से मोहतमाना गुजारिश है कि पहले हमारे इस यूट्यूब के मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें। प्लीज हमारी कवचों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करके जरूर दिया करें। तो दोस्तों, आप बिना देर किए चलते हैं JF-17 थंडर के इस मिसाइल पर और बिना देर किए देखते हैं कि रात क्रूज मिसाइल को किस तरह से JF-17 थंडर त्यारे में इंटीग्रेट करवाया जा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स में न्यूक्लियर पावर को अगर देखा जाए, एयरफोर्स के पास मौजूद पावर ये रात क्रूज मिसाइल और इस जैसे दूसरे मिसाइलों की शक्ल में ही मौजूद है। खास तौर पर इन मिसाइलों में रात क्रूज मिसाइलों को तमाम मिसाइलों पर बर्तरी हासिल है। इसकी वजह यह है कि ये मिसाइल हाई एंड गाइडिंग सिस्टम से लैस होने के साथ साथ ये मिसाइल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हमल है और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को कड़ी टक्कर दे सकता है। मगर इस मिसाइल के हवाले से चंद साल पहले तक पाकिस्तान एयरफोर्स में ज्यादातर खबरें अट्रैक्टिव नहीं थी। वजह यह थी कि इस मिसाइल की रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर तक थी और इस मिसाइल को सिर्फ पाकिस्तान के मिराज त्यारों से लॉन्च किया जा सकता था। मिसाइल के पहले टेस्ट के बाद इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया गया और आखिर फरवरी 2020 में रात के इम्प्रूव वेरियंट यानी के RAW-2 का कामयाब तजुर्बा किया गया, जिसकी रेंज अपने पहले वेरिएंट से तकरीबन 2 गुना ज्यादा थी। मगर इस 600 किलोमीटर रेंज के हमल मिसाइल को भी सिर्फ मिराज त्यारे ही फायर कर सकते थे। यही वजह है कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए इस मिसाइल की साख और जसामत को तब्दील किया जा रहा है। ये तब्दीलियां इसलिए की जा रही हैं कि ताकि मिराज त्यारों के अलावा दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ भी इस मिसाइल को इंटीग्रेट करवाया जा सके, खास तौर पर पाकिस्तान के शाहकार JF-17 थंडर की वेपनरी में इस मिसाइल को शामिल करने की कोशिशें जारी हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द ही ये मिसाइल JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की वेपनरी में शामिल हो जाएगा। इस मिसाइल को JF-17 थंडर त्यारे के साथ इंटीग्रेट करवाने में इतना अरसा इसलिए लग रहा है क्योंकि JF-17 थंडर और मिराज त्यारे की हाइट में वाज़े फर्क है। मिराज एयरक्राफ्ट हाइट में बहुत ज्यादा ऊंचा होने की वजह से आसानी से इस मिसाइल को लेकर टेक ऑफ कर सकते हैं, जबकि दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए इस जसामत और साख के साथ इस मिसाइल को होल्ड करके टेक ऑफ करना नामुमकिन है। अगरचे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मिराज त्यारों की बड़ी तादाद मौजूद है और इन एयरक्राफ्ट को अगर तादाद के हवाले से देखा जाए तो काफी बड़ी तादाद में ये त्यारे रात क्रूज मिसाइल को कैरी कर सकते हैं, मगर मसला यह है कि इन एयरक्राफ्ट के अंदर रेडार और दूसरे सिस्टम लिमिटेड सलाहितों के हामिल हैं और पाकिस्तान के जदीद त्यारों की कारकर्दगी में मिराज बहुत पीछे है। इसलिए JF-17 थंडर जो कि एयरफोर्स का प्राइमरी एयरक्राफ्ट बन चुका है, इसके हथियारों में ये मिसाइल वक्त की जरूरत है और इसी जरूरत को सामने रखकर इस मिसाइल में तरामीम की जा रही हैं। इसको RAW-3 का नाम दिया जा सकता है। खबर ये भी है कि जल्द इस मिसाइल को JF-17 थंडर त्यारों से टेस्ट किया जाएगा। RAW-3 को JF-17 थंडर त्यारों के साथ इंटीग्रेट करवाया जा रहा है, मगर इसको मिराज एयरक्राफ्ट से भी फायर किया जा सकेगा। खबरें इस तरह की भी थी कि पाकिस्तान के पास मौजूद
राज क्रूज मिसाइल को जेएफ 17 थंडर त्यारे के साथ लगाने के लिए चंद एक तरामीम जेएफ 17 थंडर त्यारे में की जा रही हैं, मगर किसी भी सोर्स से इस खबर की कंफर्मेशन नहीं हो सकी। और अगर ऐसा हो भी जाता तो फिर भी एयरफोर्स के पास इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए लिमिटेड सोर्स ही मौजूद हो सकते थे। वैसे भी एयरक्राफ्ट के लिए हथियारों को मॉडिफाई किया जाता है, न के फाइटर जेट में तरामीम की जाए। दोस्तों, एक तो ये बहुत महंगा अमल है और ऐसा करने से हो सकता है कि ये त्यारे दूसरे मिसाइलों को लॉन्च करने के काबिल ना रहें, इसलिए जेएफ 17 थंडर त्यारे में तरामीम की खबरों में शायद सदाकत ना हो। राज क्रूज मिसाइल को अगर जेएफ 17 थंडर से लॉन्च करना है तो इस मिसाइल के साइज को कम करना होगा। इस साइज के साथ अगर जेएफ 17 थंडर त्यारे राज क्रूज मिसाइल को लेकर टेक ऑफ करने की कोशिश करते हैं तो ये मिसाइल रनवे के साथ रगड़ खा जाएगा, जिससे मिसाइल और एयरक्राफ्ट दोनों ही तबाह हो सकते हैं। इसलिए रात्रि को डेवलप किया जा रहा है, जो कि खालतन जेएफ 17 थंडर त्यारे को सामने रखकर डेवलप किया जा रहा है। यह मिसाइल शुरू दिन से ही जेएफ 17 थंडर की वेपनरी लिस्ट में देखा जा रहा था। रात्रि मिसाइल साइज में कम हो जाने के बाद कितनी रेंज का हमल होगा और इसका वजन और वारहेड कितना होगा, ये अभी तक कंफर्म नहीं किया जा सका, मगर ये खबर कंफर्म है कि जल्दी ये मिसाइल अब जेएफ 17 थंडर की वेपनरी में शामिल होने जा रहा है, जिससे न सिर्फ न्यूक्लियर अटैक की सलाहितों में जबरदस्त इजाफा होगा बल्कि बेहतर प्लेटफॉर्म और जदीद फाइटर जेट से इसको लॉन्च किया जा सकेगा। और भारतीय डिफेंस सिस्टम को नकारा करने के लिए ये वक्त की जरूरत है। इस तरह के हथियारों को ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल करने की जरूरत है। पाकिस्तान एयरफोर्स को ये मिसाइल इसलिए भी चाहिए क्योंकि भारत ने न सिर्फ मकामी तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए हैं, बल्कि इसके साथ साथ भारत ने रूस के साथ S-400A डिफेंस सिस्टम का भी मुआहदा कर लिया है, जो कि जल्दी भारत में मुंतकिल हो जाएगा और जल्दी S-400 की पहली खेप भारत पहुंच जाएगी। इस एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक और जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है, मगर स्टेल्थ मिसाइल जैसा कि राज क्रूज मिसाइल इस एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने तमाम एयर से इस मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारियां कर रही है और सबसे पहले नंबर पर इसे जेएफ 17 थंडर त्यारे में लगाया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स इस मिसाइल को कब टेस्ट करेगी और क्या जेएफ 17 थंडर के तमाम ब्लॉक्स में इस मिसाइल को शामिल किया जाएगा या फिर नहीं, और आने वाले नए मिसाइल की खसूसियात क्या होंगी, इस पर मैं जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मुझे हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन-ए-किराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।